तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईफोन के अंदर एक नया अपडेट आया है, या बोल सकते हैं आईओएस 15 के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि है 15.0.2 का। इस अपडेट में क्या है, क्या नए बग्स को फिक्स किया गया है और क्या नए चेंजेस हुए हैं, तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ आईओएस के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, यहाँ जाना है जनरल के अंदर। जनरल के जाने के बाद आपको जाना है यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट में। जैसे ही आप यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे तो आप यहाँ पर जाना है आपको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट में। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक नया अपडेट मिल रहा है जो कि है आईओएस 15.0.2 का। यहाँ पर आप देखेंगे आपको इंक्लूड बग्स, कुछ बग्स को फिक्स किया गया है और कुछ सिक्योरिटी सेटिंग को अपडेट कर दिया गया है, वो भी बहुत अच्छी इंप्रूव की गई है। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे लर्न मोड पे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मेजर यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर मेजर चेंजेस क्या हुआ है। तो यहाँ पर हो क्या रहा था दोस्तों, आफ्टर 15 अपडेट के बाद अगर आप भेजते थे आई मैसेज के थ्रू, कोई फ़ोटोज़ भेजते थे और उस फ़ोटोज़ को अगर आप मैसेज से डिलीट कर देते थे तो वो फ़ोटो आपकी गैलरी से भी डिलीट हो जाती थी, या किसी की गैलरी में रहती थी तो मैसेज से डिलीट हो जाता, ऐसा कुछ चल रहा था बग। तो वो यहाँ पर सबसे पहले फिक कर दिया गया है। उसके बाद जो सेकंड चेंजेस यहाँ पर किया गया है वो है आईफोन लेदर वैलेट का, जो कि आप देखा होगा आईफोन का एक लेदर वॉलेट आता है, उसके अंदर क्या होता था, उसको अगर आप फाइंड माय करते थे तो वो सही तरह से फाइंड नहीं हो पाता था। अब ये भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। सेम ऐसा ही एयरटेग के साथ भी था कि फाइंड माय आइटम करके वो सही से फाइंड नहीं हो पाता था, वो भी सही कर दिया गया है। और सबसे अच्छा यहाँ पर क्या था, जो आईफोन के जो 13 के नए मॉडल्स आए थे उसमें क्या हो रहा था, अगर वो अपने आईट्यून से कनेक्ट करते थे तो वहाँ पर रिस्टोर और वहाँ पर रिस्टोर करने पे वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, एरर देता था, एरर करके फेल का मैसेज आता था 13 के सारी सीरीज में, 13 प्रो, 13 मिनी, 13 प्रो मैक्स सब में यही इशू रहता था। तो ये सब सारे प्रॉब्लम को वहाँ पर सोल्यूशन कर दिया गया है। और सबसे सही बात, जो सबसे बेस्ट चीज़ इसमें यह है कि यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अपडेट कर दिया गया है, सिक्योरिटी में बहुत अच्छा अपडेट किया है। तो जो कि ये अपडेट आया है 589.6 MB का है, ये सब डिवाइस में अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से आया है, तो लगभग 500 के और 600 के बीच में ही अपडेट आया है। अब इसको कर लेते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल। इसके बाद आपको यहाँ पर जो एक चीज़ और की गई है, तो इसमें दोस्तों एक चीज़ और हो गई है यहाँ पर, जो उसका चलने का आपका प्रोसेस का वो भी इम्प्रूव कर दिया गया है। आफ्टर अपडेट आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके जो मोबाइल है और स्मूथ हो गया, जो टच चलने का है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। मेन चीज़ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं और जो बग्स मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है और सिक्योरिटी का लेटेस्ट अपडेट दिया गया है। और इसके बाद अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद देखते हैं कि और जो कि मुझे चेंजेस लगते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। तो ये इसको अपने मोबाइल की नेट की स्पीड के हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा, उसको डाउनलोड होने देते हैं। दोस्तों फाइनली ये हो चुका है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पे। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट के लिए चले जाएगा और मोबाइल आपका यहाँ पर रीस्टार्ट होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ बता रहा है वेरीफाइंग अपडेटिंग, ये अपडेट को वेरीफाई कर रहा है जो भी आपने डाउनलोड करा है। और उसके बाद ये यहाँ पर, ये आप नीचे देख रहे होंगे लोडिंग का आपको आइकन दिख रहा है और ये बैकग्राउंड में प्रोसेस पूरी चालू हो गई है अपडेट की। अभी 10 to 20 minutes लेगा या 10 to 15 minutes लेगा अपडेट होने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हो चुका है मेरा मोबाइल अपडेट। आप यहाँ पर आपको देख रहे होंगे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी दिख रहा है, योर फ़ोन हैज़ बीन अपडेटेड टू 15.0.2 में आपको दिख रहा होगा, 15.0.2 में ये अपडेट हो चुका है। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ अनलॉक। पूरा अपडेट हो चुका है। यहाँ जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर नीचे जनरल पे। जनरल पे जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका मोबाइल पोर्टल अपडेट हो चुका है, जो कि अभी ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी दिख रहा था, ये यहाँ पर अपडेट हो चुका है। पूरा आपका यहाँ पर अपडेट हो गया है। अपडेट होने के बाद यहाँ पर जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ चेंजेस आ चुके हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है टच का थोड़ा अच्छा फास्ट हो गया है। और वहाँ पर आपका मेन चीज़ ये था कि अगर आपको वहाँ पर जो दिक्कतें आ रही थी वो पूरी वहाँ पर सॉल्यूशन हो गया है, जो कि वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक इशू आ रहा था सॉफ्टवेयर को लेके, कि लोगों के पास सॉफ्टवेयर की मेमोरी कम भरी थी वो फुल बता रहा था, या किसी की भरी नहीं थी तो वो भी खाली बता रहा था, तो ऐसा कुछ चल रहा था। तो ये बाकी सारे बग्स को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पर अपडेट हो चुका है मेरा मोबाइल। अगर आप यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ जनरल पे। जनरल पे जाने के बाद जाएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट में।
तो आप यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर अपडेट हो चुका है मेरा और फुली अपडेट हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो एक्सपीरियंस है टच चलाने का एक्सपीरियंस यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो गया है, वो बहुत स्पीडली यहाँ पर वर्क करने लगा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये है कि ये जो अपडेट आया है सारे आईफोन्स के मोबाइल पे आया है, जो 6s से लेकर अब जितने की अपग्रेड हैं सब पे आपको ये अपडेट मिल जाएगा और सब 500-600 MB का अपडेट मिलेगा। मेन जो ये बग्स हैं बग्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया गया और सिक्योरिटी इनहांस को अच्छा कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ये आपको अपडेट करना, सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको अपडेट करना ज़रूरी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकता हूँ दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं और हो सके तो आप मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।